एक बार एक गांव में चोरी हुई और कुछ दिनों के बाद चोर पकड़ा भी गया। पंचायत को बुलाया गया कि पकड़े गए चोर को दंड मिल सके। ग्राम प्रधान गोविंद चोरी का मामला निपटाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि उसने देखा कि उसके गांव के ही एक आदमी की मुर्गी उसके खेत में घूम रही है। उसने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है और फिर उस मुर्गी को पकड़कर अपनी पत्नी को दिया और बोला, इसको रात के खाने के लिए बनाना। ग्राम पंचायत की सभा में अपना निर्णय सुनाते हुए उसने कहा कि हमें कभी भी किसी दूसरे की चीज का लालच नहीं करना चाहिए, और उसने चोर पर 5,000 का जुर्माना लगाया। उसकी ये सारी बातें उसकी पत्नी भी सुन रही थी, क्योंकि वो भी वहीं पर थी। ग्राम पंचायत का सारा कामकाज करके गोविंद यही सोचते हुए अपने घर आ रहा था कि उसको आज बढ़िया मुर्गी खाने को मिलेगी और आज वह भरपेट खाना खाएगा। जब वह नहा धोकर खाना खाने बैठा तो उसकी पत्नी ने उसे रोटी और सब्जी परोसी। गोविंद ने बड़ी उत्सुकता से अपनी पत्नी से पूछा, तूने मुर्गी नहीं बनाई? उसकी पत्नी ने कहा, आप ही तो कह रहे थे कि कभी भी दूसरे की चीज का लालच नहीं करना चाहिए। उसका उत्तर सुनकर गोविंद खिसिया कर बोला, अरे पगली, वो नसीहत तुम्हारे लिए नहीं थी लेकिन गांव वालों के लिए थी। हाँ मित्रों, हम भी ऐसा ही करते हैं। हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। पवित्र वचन बाइबल भी हमें यही शिक्षा देती है कि हमारी कथनी और हमारी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए।